और मैं आज इस विषय को जरूर स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ, इसके पहले की जितनी भी सरकारें रही, ये सरकारें 5 साल के बाद अपने काम का हिसाब किताब देने के लिए जनता के बीच में जाती थी। जब चुनाव होते थे तो हमने 5 सालों में क्या किया और आपने अगर हम पर विश्वास व्यक्त किया तो हमने क्या किया, इस विषयों का हिसाब किताब दिया जाता था। लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में, संसदीय प्रक्रिया में, अगर किसी ने 1 साल में हमने क्या काम किया इसका अगर इस प्रक्रिया के शुरुआत की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया पिछले 5 साल 2014 से 2019 तक का जो चुनाव हुआ उस 5 साल में हमारी सरकार ने हर साल हर वर्ष हमने क्या काम किया है इसका लेखा जोखा दिया। ये एक इतिहास है और इस इतिहास के कारण हम सब जनता के बीच में ईमानदारी के साथ हमने जो काम किया है उस पर हम अपना लेखा जोखा देते हैं। जनता का निर्णय शिरोधार्य होता है। जनता ने इसी निर्णय के कारण 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के से बहुत ज्यादा बहुमत देकर दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। बंधुओं, आज हमारे प्रमुख वक्ता चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में फेसबुक पर आक्षेप होता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं। अगर हमारा कार्यकर्ता एफआईआर कराने जाता है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, लेकिन अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप पर अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिप्पणी करता है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर यह सरकार प्रश्न चिन्ह लगाती है, उस पर एफआईआर हो जाती है। यह आज देश के प्रदेश की परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो हालात 18 माह में इस सरकार ने किया है, गंगाजल की कसम खाने वाली ये सरकार जिसने कहा था कि हम शराब बंदी करेंगे, आज अगर सरकार चल रही है तो शराब के ठेके के पैसों से चल रही है। अगर आज सरकार चल रही है तो रेत का जो ठेका हो रहा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है, उनके कारण चल रही है। ये सरकार आखिर खड़ी कहां पर है? अगर पीछे पलट कर देखिए तो 18 माह का कार्यकाल ऐसा कार्यकाल है कि हर दिन अगर हम एक पत्थर फेंके तो केवल लहरें गिनने की हालत है और लहरें इतनी है कि हम गिन नहीं सकते। प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाते हैं, धमकाते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं और ये अंतिम बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई आंख नहीं दिखा सकता। हम तो विपक्ष में ही पलने के आदि हैं और विपक्ष में ही हम पले हैं। 15 साल हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार रही है, लेकिन आज इस बात को हम चुनौती के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हमारे कार्यकर्ता को अगर सरकार ने आंख दिखाने की कोशिश की तो वो सरकार पिछला कार्यकाल याद कर ले जब हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ था। हमने प्रदेश की इमारत से केवल एक ईंट निकाली थी और उस इमारत से एक ईंट निकालते हुए वो इमारत भरभरा कर गिर गई थी। कांग्रेस वापस 15 साल तक इंतजार की है और 15 साल के बाद भी किस परिस्थिति में आई है वो परिस्थितियां प्रदेश की सरकार को पता होगा। इसलिए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की परीक्षा न लें, चुनौती स्वीकार करें। हम चुनौती को देते हुए आज मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि आज हम सब अपने